सिंध के ज़िला बदीन में एक जानब दरसी कुतुब तलबा को दस्तयाब रही, दूसरी जानब महकमा तालीम की गफलत के बाइस लाखों की मालियत की किताबें दफनाने का इंकशाफ हुआ है। इमरान अब्बास रिपोर्ट करेंगे। ज़िला बदीन के सरकारी स्कूलों में इमारतों की खस्ता हाली और बुनियादी सहूलियात का फुकदान तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन सरकार की जानिब से दी जाने वाली दरसी कुतुब में भी 60% तक कमी कर दी गई है, जिसके बायस एक किताब से चार तालबे इल्म तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। चौथे क्लास में पढ़ता हूँ और किताब ही नहीं मिल रही है। एक किताब चार जने पढ़ते हैं और किताब मिल जाए तो बेहतर। तीन तीन चार चार बच्चे हैं जो एक एक बुक में रात में पढ़ रहे हैं। दूसरी जानब महकमा तालीम की लापरवाही के बायस लाखों की मालियत की किताबों को भी माफिया की जानब से किसी दूर दराज इलाके में दफना कर बच्चों के मुस्तकबिल को भी मारा जा रहा है। यहाँ पे हजारों की तादाद में किताबें बहा दी गई थी। हिंसर असा के खबर पई थी हजारों की तादाद में हेते किताबू दफन थी वही। गुजरियल साल असाने बारन के छा मिलो, कुछ भी न मिलो। बदीन के चक 45 में दफनाई गई किताबों के मामले पर डिप्टी कमिश्नर बदीन ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। इमरान अब्बास, आज न्यूज़, बदीन।